भारत के औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से भारत के श्रमिक ऋणग्रस्तता से जुड़ा हुआ है। सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि अधिकतर श्रमिक ऋणग्रस्तता से जुड़े हुए हैं। भारत के किसी भी राज्य को देखते हैं तो किसी राज्य में 50%, दूसरे राज्य में 60% और इस तरह से श्रमिक ऋण से प्रभावित हैं। ऋण में ही जन्म लेना और ऋण में ही उनकी मृत्यु होना, जिसके कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे किस तरह से समाप्त की जाए, इसके बारे में चर्चा करना है। ऋणग्रस्तता के क्या कारण हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी है। पहला कारण, श्रमिकों की कम आय। श्रमिकों की आय कम होती है और उनके परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें महाजनों से ऋण लेना पड़ता है और ऋण का ब्याज दिनों दिन बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है जिसे लौटाने में असमर्थ होते हैं। दूसरा कारण, जुए और शराब में पैसे को बर्बाद करना। ऐसा देखा गया है कि श्रमिक पैसे को लेकर जुए और शराब में बर्बाद करते हैं, जिससे ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा कारण, ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण ऋण तो लेते हैं लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है और समय पर ऋण नहीं लौटा पाते हैं, जिससे उन्हें बार बार ऋण लेना पड़ता है और काफ़ी बोझ उठाना पड़ता है। चौथा कारण, सोच में कमी। जैसा कि देखा गया है कि श्रमिकों की सोच अभी भी नहीं बदली है, जब तक उनके सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक ऋणग्रस्तता से प्रभावित होंगे।
अगर सोच में बदलाव नहीं आएगा तो समस्याएं बनी रहेंगी। इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत के श्रमिक ऋणग्रस्तता से प्रभावित हैं और जब तक वो पूर्ण रूप से अपने विचार को नहीं बदलेंगे ऋणग्रस्तता से प्रभावित होंगे। यही कारण है कि ऋणग्रस्तता से जुड़े हुए हैं, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। एक बार जब सोच लेंगे कि ऋण नहीं लेना है, उसी आय में हमें घर चलाना है, तो स्वतः समस्या समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।